तुम्हारा मुखिया कैसा हो? चंदू भैया जैसा हो। तुम्हारा मुखिया कैसा हो? चंदू भैया जैसा हो। चंदू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथी, मैं अंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। अभी मैं बात करूंगा, एक प्रत्याशी निकल के आ चुके हैं अपने पंचायत की जनता के साथ और आज नामांकन कराए हैं और लोगों के साथ इनका मिल रहा है। सबसे पहले सर, शुभकामनाएं आपको। किस पंचायत से चुनाव लड़ने वाले हैं? जी, हम हथगाय पंचायत से चुनाव। हथगाय पंचायत से? पहली बार की दूसरी बार? यह दूसरी बार है। दूसरी बार है। इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त है और क्या लगता है कि जनता के प्रति क्या काम करेंगे आप? जीत के प्रति 100% आश्वस्त है और जनता भी इस बार हमारे साथ है। आपका नाम पूरा? जावेद खान चंदू बाबू। जावेद जी, बताइए कि जब पंचायत का आपने दौरा किया, भ्रमण किया होगा, तो क्या लगा है कि जनता क्या चाहती है आपसे? जनता का 100% मूड है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। बदलाव में क्या क्या बदलाव चाहिए? विकास के मामले में बात करूँ, पंचायत में देखा जा रहा है कि शौचालय कमी है, नाला कमी है, तमाम तरह का मुद्दा लोग उठा रहे हैं, लेकिन आपका मुद्दा क्या उठा रहा है कि भाई पंचायत में अलग मुहिम पे काम कर रहे हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं? हम पंचायत के अंदर चाहते हैं अच्छे से स्कूल का व्यवस्था हो, जो बच्चे शिक्षित हो और हमारे यहाँ ग्रामीण युवाओं के साथ आपका मिल रहा है, तो युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? जैसे और प्रत्याशी लोग बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, शौचालय पे काम करेंगे, नाला पे काम करेंगे, तो आप किस तरह से काम करेंगे? युवाओं के लिए तो सबसे पहले एजुकेशन का व्यवस्था किया जाएगा और दूसरे में उनके खेल कूद का भी व्यवस्था किया जाएगा। आप इनके साथ हैं, क्या लगता है, कैसा लग रहा है कि जावेद जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जावेद जी के बारे में कहना क्या है, तो पूरा जनता जानती है हथगाई पंचायत की है ना, और आज से नहीं करीब तकरीबन 5 साल से ये क्षेत्र का घूम रहे हैं, विकास कर रहे हैं और कोरोना काल में अपना सेवा किया था। जी जी, इसमें कुछ कहना नहीं है, हमारे पब्लिक हमसे खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे साथ में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 सालों से ज़्यादा हो गए समय चंदू बाबू को पंचायत में सेवा करते हुए, मौका मिलना चाहिए। मौका जरूर मिलना चाहिए, लोगों के हर दुख सुख में ये खड़े होते हैं, रात दिन नहीं देखते, सबके साथ जब भी जरूरत पड़ती है खड़े होते हैं। अगर इनको एक पद मिलता है तो ये सेवा करेंगे। मुखिया पद मिलता है? मुखिया पद मिलता है तो ये निश्चित सेवा करेंगे और तन मन धन से लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। एक चीज देखने को मिलता है कि मुखिया आजकल सब कोई उठ रहा है, युवा लोग भी आ जा रहे हैं इसमें, जैसे कोई मतलब एक नहीं था कि लहर हो गया कि भाई मुखिया लड़ना है, मतलब अपना पैसा खर्च करना है और जितना है अपने आप को प्रमोट भी करना है, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पे क्या विचार आपका? इस पर विचार हमारा ये है कि पहले आप तो मान लीजिए कई सालों से बने हुए हैं, पंचायत की सेवा कर रहे आ रहे हैं और आपका हक है लड़ना, आप तो मान समाज सेवी में लगे हुए हैं, लेकिन तमाम तरह के प्रत्याशी लोग नए उठे हुए जो अचानक उठे हुए आकर चुनाव लड़ने के पहल बना लिए हैं। जी, सबको कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपने पंचायत के अंदर रातों दिन मेहनत करें, किसी सबका हेल्प करें और समय समय पर आप पंचायत का भ्रमण करते हैं। मुखिया का दायित्व क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि सरकारी जो भी योजना हो उसको धरातल पे लाए और गरीबों तक वो सुरक्षित पहुंचाए। आप क्या कहना चाहेंगे इनके साथ? देखिए, चंदू बाबू पिछले 15 वर्षों से पंचायत के लिए सेवा कर रहे हैं, युवा है, युवा पीढ़ी का सारा समाज का लोग इनका साथ दे रहे हैं और इस बार उम्मीद है कि बहुत बहुमत से जीतेंगे चुनाव और हथगाई पंचायत का सेवा करेंगे, काम करेंगे पंचायत, बिल्कुल काम करेंगे। जनता से क्या उम्मीद करते हैं? हम अपने जनता से यही उम्मीद करना चाहते हैं, आप जब भी वोट देने जाएं आप एक बार सोच समझ कर और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को चुने ताकि आपका पंचायत का विकास हो। धन्यवाद दोस्तों। देखा की बात की ग्राम पंचायत हथगाई के भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं जावेद जी और इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं मुखिया पद हेतु और अभी अपना नामांकन फॉर्म भर के नामांकन करा के लौटे हुए हैं। तमाम जनता इनके समर्थन में है और लोगों का कहना है कि इस पहले ब्लॉक पे हूँ और यहाँ पे तमाम प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, नामांकन करा के घर लौट रहे हैं, इसी वजह से सरपंच प्रत्याशी लौटे हुए हैं अपने नामांकन फॉर्म भर के। आइए बात करते हैं, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नूर आलम है। नूर आलम जी, सरपंच पद के चुनाव लड़ रहे हैं, किस पंचायत से? माधोपुर ग्राम पंचायत। माधोपुर ग्राम पंचायत से सरपंच पद का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार? दूसरी बार। इसके पहले भी रहे क्या? दो नंबर पे। इस बार क्या योजना लेके आ रहे हैं, इस बार क्या सोच है आपका? मैं इस वक्त जो सरकार का जो नियम है उस नियम का जो भी पालन जो भी है उसका पालन करना, हमारे जनता के बीच पहुँचाना, ये मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य है। सरपंच पद में फंड का भी व्यवस्था आना शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में? जो भी आएगा उसको डील किया जाएगा, जो भी आएगा डील किया, जो पंच जो जो जनता के लिए है, जो जनता के पक्ष में काम किया। आप क्या कहेंगे? युवा है साथ में आए, कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी हैं माधोपुर पंचायत के,
नूर आलम नेताजी जो दूसरी बार पंचायत में लड़ रहे हैं और इनका समर्थन किया जाए और इनको भारी मतों से बीजेपी बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार भी ये लड़े थे कुछ वोट से कुछ विफल रहे। आप क्या कहेंगे, युवा है साथ में आए, कैसा लग रहा है आपको? ये कहना है कि नादीपुर पंचायत से जो लड़ रहे हैं नेताजी नूर आलम, उनको भारी मतों से जिताया जाए। उसके अलावा जो भी फंड होगा, जो भी समस्या होगा जनता का, ये सेवा करने का तैयार। आप क्या कहेंगे इनके साथ आए, क्या कहेंगे युवा, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जी हम कहेंगे ये हमारे ग्राम पंचायत राज माधोपुर से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, तो इनको बहुमत से विजयी बनाए और जो इनसे होगा और सरपंच पद में जो भी नियम आएंगे या कानून आएंगे वो अच्छा से फॉलो कराएंगे। और अपने पंचायत में कितने गांव कितने वार्ड हैं? हमारे गांव में 7 गांव है। पंचायत में 7 गांव है, वार्ड है और वार्ड 13 है। कौन कौन सा गांव का नाम थोड़ा बताइए? जैसे कि ग्राम माधोपुर तो हो गया, और पश्चिम टोला, माधोपुर पश्चिम टोला, और छक्का टोला, मेरा जीत की उम्मीद है आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ है। जो भी 100 by 100 अपनी जनता को अपील कर दीजिए कुछ अपने अपने अपने। मैं अपने जनता से यही अपील करूंगा कि भाई मतदाता मालिक आप हैं, और आप अपने योग जो प्रत्याशी हो उसको जिताएं, उसमें हम आपके सामने 25 साल से आपका सेवा कर रहे हैं, एक बार पुनः हमको मौका दिया जाए कि ताकि आपका काम करने का। आपका नाम? नूर आलम। नूर आलम सरपंच पद चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम माधोपुर से, माधोपुर पंचायत। थैंक यू। तो साथियों देखा बात की ग्राम पंचायत माधोपुर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं नूर आलम जी, जो सरपंच पद के हेतु चुनाव लड़ने वाले हैं, और आज इनका नामांकन फॉर्म भर के दाखिला हो चुका है और नॉमिनेशन हो चुका है। मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर आकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं बात करूंगा बहादुरपुर पंचायत के बारे में। वहाँ के एक प्रत्याशी हैं जो महिला हैं, आज नामांकन कराने के लिए पहुंची हैं बहरे ब्लॉक पे, और उनके साथ उनके बेटे आए हुए हैं गुलफाम आसिफ जी, जो कि इस बार युवाओं का समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार कुछ अलग हट के विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या हुआ है? ये मेरा पूरा नाम गुलफाम आसिफ है। चुनाव लड़ने का ये पहल कैसे अपनाया? पहली बार अपना मतलब लड़ेंगे, दूसरी बार के तीसरी बार क्या मतलब? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी ये मेरा आपकी माता जी चुनाव लड़ी है, मम्मी लड़ने चुनाव? रिप्रेजेंटेटिव मम्मी है, क्योंकि लेडीज सीट है, वैसे मैं प्रतिनिधित्व में काम करें, कहने की आप दौड़ धूप का कोई भी कार्य कोई भी काम हो मैं खुद अपने स्तर पे। मन में ये सवाल उठा कि अपनी माता जी को मम्मी को चुनाव लड़ने का प्रयास किए हैं, और इस बार किस किस मुद्दा पे आप काम कराने के लिए इस बार आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं यहाँ आया, मैं विजिट किया, अपने गांव को देखा। तो मतलब कब विजिट किया? 2-4 महीने पहले, एक साल पहले? नहीं नहीं, मैं 2020 में विजिट किया, कोरोना के एंड में। अच्छा अच्छा, यानी 2 साल पहले की बात? एक साल पहले नहीं, 2 साल पहले की बात है। हाँ, उस टाइम मैंने देखा गाँव की हालात बहुत खराब है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ नहीं करते हैं, जो हमारे यहाँ गरीब है उनके लिए कुछ नहीं होता है, जो अमीर है उनके लिए इंदिरा आवास दिया जाता है, जो बूढ़े उनके लिए वृद्धा पेंशन का अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ब्लॉक पे कोई काम नहीं करता है, बस एक ही प्रावधान है इलेक्शन का कि जात पात नहीं तो पैसा दीजिए और नहीं तो दारू बांटिए और इलेक्शन जीत जाइए। जबकि भारतीय संविधान जो है हमारा, भारतीय संविधान का पहला लाइन जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, और नागरिकों का अधिकार होता है, क्या अधिकार? जैसे भारतीय संविधान का 14वां संशोधन है, वोट देना हमारा, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, 1 person = 1 vote = 1 value, एक आदमी है उसका एक वोट है और सबका बराबर वैल्यू हो, तो देश का सबसे अमीर आदमी हो चाहे देश का सबसे गरीब आदमी, सबका एक ही वैल्यू है, सबका एक ही वैल्यू है, लेकिन हाँ सब समान नागरिक है, लेकिन समान तरीके से नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप समाज के लिए, समाज के हित में कुछ कर रहे हैं, तो आप बूढ़ों के लिए वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, गरीब के लिए आप इंदिरा आवास दे रहे हैं, लेकिन जो मिलता नहीं है गरीबों को। तीसरा चीज ये है कि आप ये भूमिहीन को राशन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर लोगों को नहीं मिलता है जो गरीब हैं। लेकिन आप नौजवान को क्या देते हैं? अगर नौजवान है, एक 18 साल का आदमी है या 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, वो युवक है, तो उसके लिए आप क्या, कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है हमारी जो ये पंचायती स्तर की टीम है? कुछ नहीं। तो आप युवा हैं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है, तो क्या योजना लेके आए, कुछ अपना प्लान किया? नहीं, मैं चाहता हूँ डायरी मेंशन क्योंकि जी बिल्कुल पंचायत में जितना है और इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जैसे नाला का, नाली का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, या महिलाओं के लिए शौचालय का, कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू करें। नहीं बिल्कुल, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और सबसे मेरा इंपॉर्टेंट ओपिनियन ये है इसके रिगार्डिंग कि देखिए, जो हमारा अधिकार, हम जा रहते हैं वहाँ रोड होना चाहिए, तो ये जो अगर सरकार फंड और योजनाएं प्रोवाइड करिए तो फैसिलिटीज हमारे पंचायत को मिल ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। उम्मीद है इस बार जीतने का? नहीं, पूरा उम्मीद है, लेकिन मेरा सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, हमारे पंचायत में
एक रनिंग ट्रैक नहीं है कि जहाँ बच्चे आए दौड़े और मतलब फील्ड नहीं है, नहीं आर्मी के लिए तैयारी करें या फिर BSF के लिए तैयारी करें। हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है बहुत बुरा है, हमारे यहाँ चिकित्सा का स्तर कोई नहीं है, रोजी रोजगार कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ अमीर लोग हैं उनके लिए कोई बिजनेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, छोटा छोटा शिक्षा चिकित्सा नौकरी रोजी रोजगार इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। बस यहाँ लोग फंडिंग करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट है इनके लिए पंचायत चुनाव कि 5 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए और चुनाव जीतिए और 5 साल आप कमाइए और कुछ नहीं। और कुछ दलालों के क्या आपका मुद्दा ऐसा नहीं, नहीं मैं तो आया ही क्या, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरा बस मेरा मुद्दा यही कि मैं आया हूँ और समाज हित में मैं काम करूँ। क्या कहेंगे युवा साथ में, क्या कहेंगे इनके साथ में, साथ में कैसा लग रहा है सर, आप क्या कहेंगे, आप कहीं ना कहीं आप इनके साथ हैं, कैसा लग रहा है कि इस बार कुछ उम्मीद के तहत कुछ काम होना चाहिए पंचायत? बहुत बहुत अच्छा उम्मीद है ना, अभी जो हम लोग का जो पोजीशन है बहुत अच्छा है ना, पूरे पंचायत में पोजीशन हम लोग का अच्छा है ना। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे सर? हम लोग चाहेंगे कि युवा आए और पूरा पंचायत का अच्छा से संभाल के रखे, संभाल के रखे, पंचायत का विकास करें, पूरा विकास पंचायत का ही विकास करने के लिए इनको लाया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हां पूरे आदमी सपोर्ट है, हम लोग पूरा सपोर्ट है। और अभी तक मैंने 1337 लोगों का काम किया है, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, कभी मुखिया नहीं रहा हूं। 1337 लोगों का जैसे 157 राशन कार्ड है, 188 जन्म प्रमाण पत्र, सही माने में आप धरातल पे जाइए, 1337 लोगों का पर्सनल काम किया मैंने 2 सालों में और मुझे मौका मिलता है और तो मैं आगे भी काम करता रहूंगा और इससे ज्यादा मैं काम करूंगा और वैसे बहुत अच्छा फीडबैक है। महिलाएं जुड़े उनसे बात करता हूं, रोहित का चाहता नहीं है पर विकास के मामले का चाहिए, समाज में क्या कहें, ये लड़का पढ़ा लिखा है, ये लड़का को हम भी चाहते हैं, आपका चाहते हैं पढ़ा लिखा है, यही प्रत्याशी हम लोग को चाहिए। मैडम आप बताइए कि आप इस बार जीत कहिएगा तो सही मायने में विकास करिएगा, सबका साथ सबका विकास दीजिएगा जी। आपका नाम? सहनाज खातून जी, धन्यवाद। एक बार संदेश दीजिए अपनी जनता को, अपील करते थे कि इस बार जो भी युवा लोग हैं अपने पंचायत के साथ रहें और इस बार वोटिंग करें, सभी को करें, कोई भी कर ले। मेरे पंचायत वासियों से बस एक ही चीज़ का उम्मीद है और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमारे पंचायत का विकास होना चाहिए, कोई भी आए कोई भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उस उम्मीदवार को दीजिए कि जिससे आपको उम्मीद लगता है कि हमारे पंचायत का उत्थान कर सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य सही कर सकता है, नहीं तो किसी दारू बांटने वाले किसी जात पात वाले को और क्या कहेंगे ये पैसा बनना पड़ेगा ना, मुखिया का दायित्व तो होगा कि न्यूट्रल बनना पड़ेगा, सबको एक समानता लगेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो हमारा समाज है और आप अपने इंडियन कल्चर को देखिए, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में देखिए जो हमारा भारतवर्ष है इसका आप इस इतिहास देखिएगा तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद बहुत बाद यहाँ आप देखिएगा तो ये मुगल सल्तनत आया और उसके बाद यहाँ अंग्रेज भी आए, तो पहले हिंदू ने राज किया, फिर मुसलमानों ने राज किया, फिर यहाँ अंग्रेजों ने राज किया और सबको मिला के भारतवर्ष बनाया गया और हमारा एक संविधान है और संविधान पर हम चलते हैं और इस मुद्दे पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मौसम देखिएगा तो मौसम एक नहीं है, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी है, लेकिन आप अमेरिका जाइएगा तो वहाँ बस ठंडा है, सऊदी जाइएगा तो बस रेत है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी हर चीज़ में है, हमें एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता है 8वीं क्लास में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, कोई अला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो कहीं ओम भू भुवस्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, लेकिन इस चीज़ पे इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हमारा देश का जो नाम है भारतीय भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स में 9वां स्थान आता है और इस क्योंकि हम अनेक होते हुए एक हैं, एक बगीचे में बस गुलाब लगा दीजिएगा तो गुलाब जो है बगीचा नहीं कहलाएगा, हर बगीचे में हर तरीके का फूल होना चाहिए और हर तरीके का फूल है और यही हमारा पहचान है। तो इस चीज़ पे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा नौकरी। हाँ धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। परिचय दे दिए, मेरा नाम गुलफाम आसिफ है, मैं बहादुर पंचायत से मुख्य प्रतिनिधि हूँ। चलिए धन्यवाद, आपकी माता जी का नाम सहनाज खान। तो साथियों देखा कि बात की एक ऐसे शख्स से जो कि इतने बेहतरीन तरीके से अपने विभाग बात रखा है और सच मायने में मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से प्रत्याशी हों समाज में तो कुछ ना कुछ समाज का पंचायत का और अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि युवाओं को साथ मिलना चाहिए, युवाओं को एक बार वो हासिल होना चाहिए जो पद के लिए हकदार है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़, हम बात करते हैं गुलफाम आसिफ जी से जो कि अपने माता जी को चुनाव लड़ा रहे हैं बहादुरपुर पंचायत से और जिनका नाम है सहनाज खातून जी। जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं बात करूंगा एक पंचायत के बारे में, रासोपाली पंचायत के बारे में और वहाँ तमाम तरह के प्रत्याशी उठ रहे हैं और अपना दावेदार कर रहे हैं। इसी बीच एक प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं देवेंद्र सिंह जी, जो कि इस बार पंचायत के लिए खड़ा हुए हैं और पंचायत की जांच हर पल हर दुख में लगे रहते हैं। आज अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए आए हैं, नामांकन करा के लौट के आए हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और बधाई सर, क्या कुछ कहेंगे, आज आपका नामांकन हो चुका है सर?
आज मेरा नॉमिनेशन हो चुका है। मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और मैं जीतूंगा तो जनता का विकास होगा। जीतने के बाद से किस किस मुद्दे पे काम करेंगे? नाला पे, नाले पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे? मैं एक बात पूछूंगा सर, पंचायत में अभी तक समस्या देखने को मिलता है, हर पंचायत पूरे सीमांचल की बात कर रहा हूँ, कि नाला का समस्या ज्यादा है और शौचालय की समस्या। आज भी महिलाएं, आज भी बुजुर्ग लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। कोई प्रत्याशी बोलता है कि कोई मुखिया भी बोलता है ना कि ये शौक से जाता है, लेकिन शौक से कोई नहीं जाता है, मजबूरी में जाता है। बात सही नहीं सही है? तो क्या लगता है आपको इस बात? प्रधानमंत्री योजना से जो लैट्रिन बना वो 100% फ्लॉप है। फ्लॉप है। और आज भी माँ बहन जो है सड़कों पर जब शाम को निकलती है, सुबह की निकलती है, तो देखने में शर्मिंदगी महसूस होता है कि क्या किया जाए। ऐसे पंचायत के मुखिया जिनको शर्म आनी चाहिए कि आज जो है लैट्रिन 250 से 300 लैट्रिन मेरे यहाँ बना है, लेकिन आज भी लोग सड़कों पे, माँ बहन जो है सड़कों पे जा रही है। रसूपल पंचायत में कितने गांव, कितने वार्ड हैं? मेरे यहाँ 12 वार्ड हैं और 10 गांव हैं। जब आपने गांव के दौरा किया, भ्रमण किया, पंचायत के भ्रमण किया, तो क्या कमी दिखा, क्या कुछ लगा? फिर आपके मन में हर इंसान का मन में डाली मतलब रहता है कि भाई नोट करता है भाई मुझे जितना है, और नोटबुक क्या करता है, बड़ा इंसान बनता है तो कहने की अपने आप मेंशन करता है कि भाई ये काम करना है और ये चुनाव लड़ना है और जितना है ये मुद्दे पे काम करना है, तो कुछ तो पॉइंट भी बनाओगे ना कि जितने मन मत ये काम करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए जो लैट्रिन बना है उसके खिलाफ मैं क्लेम करूंगा। क्लेम करेंगे जो लैट्रिन बना है उस लैट्रिन में 100% यूज नहीं हो रहा है, घोटाला हुआ है। हाँ, घोटाला हो गया है। नल जल हमारे यहाँ सड़कों पे पानी कहीं कहीं बह रहा है। 11 नल जल है, 12 वार्ड है, एक में नहीं है, जिसमें 5 नल जल अभी नहीं चल रहा है, 6 चल भी रहा है तो उसका पानी सड़कों पे गिर रहा है कहीं कहीं। और उसके बाद सोखता बना, मुखिया का दायित्व क्या होना चाहिए? मुखिया का दायित्व होना चाहिए कि जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, पूरे गांव का विकास करना और सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। तो इस बार युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कहेंगे? जैसे एक सुनने में आता है पंचायत में सबसे पंचायत की जनता चाहती है कि सिर्फ जैसे हर कोई लगा रहा है राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, बूढ़ा पेंशन, महिलाओं को विधवा पेंशन, तमाम तरह की पेंशन है, सरकार को इतना पैसा दे रहा है। सुनने में आता है कि 3-4 करोड़ पैसा इतना आता है, ये तो पैसा बहुत बड़ा होता है, लेकिन सही मायने पंचायत में अगर पैसा उतना आ रहा है और विकास के मामले में देखा जाए तो कोई विकास नहीं हो रहा है, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। लोग जो है चुनाव इसके पहले जो भी जीते वो पैसे बांट कर जीते, उनकी सोच थी कि फिर इस बार पैसा बांटूंगा और चुनाव जीतूंगा, यही उनकी सोच है। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच है कि मैं जनता से घर घर जाके वोट मांगूंगा और मैं वोट पाकर जब मैं जीतूंगा तो अपने जनता की हर समस्या का समाधान, वृद्धा पेंशन, लैट्रिन, नल जल संबंधी जो भी खराबी होगा उसकी काम करेंगे। बहुत सारी जनता भी उसे बात करूंगी। क्या कहेंगे आप इनके साथ आए? क्या कहेंगे? हाँ करेंगे, काम करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? आइए, युवा है, क्या लगता है कि एक व्यक्ति को समाज में कैसा रहने मुख्य पद के लिए चुनाव लड़ता है? ये हमारे नजर में हमको अच्छा लगे, हम इसलिए जी युवाओं का प्यार इतना समर्थन मिल रहा है? जी जी पूरा एकदम हरदम सब लोग से मिल रहा है। क्या कहेंगे आप साथ में? मैं बोलूंगा यही कि अगली बार इनके भारी मुहूर्तों से विजय बनाया जाए और विकास पूरे राजोपाली पंचायत का विकास। युवाओं जिस तरह से समर्थन में आए हैं, कहीं ना कहीं इनके आस में जिंदगी लगा हुआ है कि मुखिया भाई मुख्य पति जीतेंगे देवेंद्र सिंह जी, तो सबसे पहले युवाओं के लिए खेल मैदान का विकास करेंगे, एम्बुलेंस का विकास करेंगे और कहीं ना कहीं एक जिम का व्यवस्था कर सकते हैं पंचायत में, ऐसा कुछ होगा? जी हाँ होगा ऐसा, मैं जहाँ तक कोशिश करूंगा जनता, क्योंकि इसके पहले मुखिया जो भी थे झूठा वादा किए, लोगों को भरमाया गया, नहीं करेंगे ना। मैं झूठा वादा नहीं, और मैं जो है जनता का सही विकास करूंगा। और जो नौजवान हमारे यहाँ दिखाई देते हैं ना, मैं अपने नौजवानों को आज से नहीं, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे पहले चुनाव लड़ा था, 2 नंबर का प्रत्याशी था मैं। अच्छा, 2 नंबर जी। इस बार एक नंबर इस समय मेरे यहाँ 8 आदमी लड़े थे, इस समय मेरे यहाँ नहीं लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, और उस समय 17 प्रत्याशी लड़े थे मेरे पंचायत में, आज 10 से 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आपके गाँव से कितने? हमारे गाँव से एक ही प्रत्याशी है। हाँ, एक बेचारे मेरा भाई है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको मनाऊंगा। आप क्या कहेंगे साथ में? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्व मुखिया थे, जो भी मुखिया प्रत्याशी आपको दिख रहे हैं अभी भी, वो पढ़े लिखे तो जो हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, कितने पढ़े लिखे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद किया जाए कि वो क्या करेंगे आने वाले समय में। रही बात शौचालय की, जो हमारे मुखिया जी बता रहे थे, तो जो पिछले वाले हमारे मुखिया जी शौचालय खा गए, जितना देखिएगा सारा निराधार है, सारा बात जो भी उनका है सबका सब ग्राउंड लेवल जीरो है। एक भी लैट्रिन में आप जाइएगा, किसी में पर्दा नहीं है, किसी में किसी तरह का दरवाजा नहीं है, नाला में जाइएगा नाला का वही कहानी है, शौचालय का वही कहानी है। मैं बात करूंगा आज से, मेरा जैसे हम पूरा सिवान जिला छपरा और गोपाल 3 जिला का दौरा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं चैनल माध्यम से मेरा मुहिम चल रहा है कि जो लोग भी मुख्य चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले
स्वागत से चले के निर्माण करें अपने पंचायत में। हाँ, बिल्कुल क्या लगता है, सही मायने में कहूंगा? बिल्कुल कराऊंगा मैं अपने पंचायत को, पहले स्वच्छ पंचायत बनाऊंगा। देख मैं कई पंचायत में गया हूँ तो मुखिया जी बोलते हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया है, सुनने बहुत बड़ा पैसा लगता है, लेकिन उतना पैसा अगर समझ में आता विकास होता आ रहा है, लेकिन सही मायने में विकास हो नहीं रहा है। और कुछ दलालों द्वारा के दोष है कि इसमें ब्लॉक के दोष है या पहले जनप्रतिनिधि का दोस्त, जनता ने जनप्रतिनिधि को वोट देती है, तो जनता के प्रति जनप्रतिनिधि का अपना उत्तरदायित्व होता है, अपना जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसलिए लूट रहे हैं पैसा। अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर किए होते मुखिया जी तो आज मेरे पंचायत का विकास बहुत बढ़िया होता, और इतना पैसा कभी नहीं आया था इस पंचायत के अंदर जो अभी आया था, इसी में कोरोना आ गया, कोरोना में मास्क और इसमें तो बहुत पैसा बटा, इसमें भी लोगों को 5-5 रुपए का साबुन दिया गया, शर्म होनी चाहिए, और 5-5 रुपए का मास्क उसमें भी किसी को नहीं दिया गया, 20% लोगों को बटा गया, 80% लोग वंचित रह गए। और मेरा पंचायत सबसे बड़ा कि मेरा पंचायत में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, और आज भी मेरे यहाँ भी दलित है, जगन्नाथपुर में भी दलित है, जगदीशपुर में दलित, सबसे ज्यादा दलित जहां मुखिया जी आते हैं वहां से है, दलितों को दारू पिलाकर उनको नशा में किया जा रहा है ताकि ये लोग नशा में रहें और अपना वोट का इस्तेमाल करें, फिर अगर मुखिया जी चुनाव जीत जाएगा फिर उन लोगों पर, दलितों को इंदिरा आवास से दरकिनार किया गया है, और मुखिया जी अपने अपने आदमियों को जो है जिसको नहीं इंदिरा आवास चाहिए उन लोगों को इंदिरा आवास मिला है, और जिसको इंदिरा चाहिए उसको इंदिरा आवास नहीं मिला, ये प्रूफ है। मैं जो भी बात कहूंगा हकीकत के साथ, मैंने अपने मुखिया जी से कहा था, हाँ सच्चाई के साथ मुखिया जी से मैंने कहा था कि आप मेरे सामने बैठिए और मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ कहाँ लुटे हैं। स्पष्ट 50,000 रुपए लेकर के आप, 50,000 रुपए लेकर के आप इंदिरा आवास सबको पास किए गए हैं, अब आप लेके आप मेरे यहाँ का दलित है, आओ यहाँ पे किसी दलित ये मुसहर जाति से है, सबसे ज्यादा आबादी पंचायत में इन लोगों का है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? तो खुशी की बात है इनके निकालना चाहिए। और पहले विकास हुआ कि नहीं? पहले हुआ है तो चला गया। आपके आपका कोई विकास हुआ है, पैसा मिलता है? हमें कुछ नहीं मिला है। इंदिरा आवास मिला है? नहीं मिला। राशन मिलता है? राशन मिल रहा है। कितना मिलेगा? 30 किलो। कितना? 1 महीने में? हाँ 1 महीने। चलिए आप अपना पर्ची दीजिए सर, पर्ची आप। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पंचायत राज राजोपाली। धन्यवाद। तो साथियों देखा कि हम बात करें ग्राम पंचायत राजोपाली से भावी मुझे प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं देवेंद्र सिंह जी, और इस बार अपना नामांकन फॉर्म भरे हुए हैं तमाम युवाओं के साथ लेकर, तमाम जनता के साथ लेकर, और इस बार चाहते हैं कि पंचायत में जो अब तक विकास नहीं हो पाया है उस विकास को पूरा करना है।